हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छी होंगी। तो आज हम जा रहे हैं डीगा टूर पे और 4 डेज की हमारी डीगा की टूर है। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल दी है आपको, न्यू डीगा, ओल्ड डीगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं ट्रेन से, तो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, प्राइस वगैरह भी आपको बताई है। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आ चुके हैं हावड़ा ब्रिज पे, अब मैं आपको स्टेशन में जाके आपसे मिलती हूँ। जैसे कि आपने देख लिया, हम हावड़ा स्टेशन आ चुके हैं और मॉर्निंग की 6:55 को ट्रेन आने वाली है और करीब हम 10 बजे हम न्यू डीगा पहुंच जाएंगे। हाँ जी गाइस, न्यू डीगा लास्ट स्टेशन होता है और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आप लोग इंजॉय कीजिए। ये देखिए मैं रही और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा क्योंकि काफ़ी लोग थे और काफ़ी ज़्यादा शोर हो रही थी, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो चलिए, ट्रेन हमारी आ चुकी है, आप देख लीजिएगा सीट वगैरह और इंजॉय कीजिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैसे कि आपने देख लिया, हम दीगा स्टेशन आ चुके हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सारे स्टेशन। ये आप देख सकती हो काफ़ी ज़्यादा रश है और ये रही मैं पीछे पीछे, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्टेशन के बाहर जब हम निकलते हैं उसके बाद। और ये हम गाइस न्यू डीगा आए हैं क्योंकि लास्ट स्टेशन न्यू डीगा होता है, बट हम ओल्ड डीगा में रहने वाले हैं। और ओल्ड डीगा या न्यू डीगा आपके लिए क्या बजट के हिसाब से होगा वो वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगी, और पिछली वीडियो में भी मैंने बताई है अगर मैं भूल जाऊँ। और ये आप देख सकती हूँ, ये सारी टोटो रहती है, इसमें एक बंदे का 10 रुपीज़ करके होता है। और ये है न्यू डीगा, पहले हम न्यू डीगा आए हैं क्योंकि मैं आपको वहाँ की भीड़ दिखा दूँगी, आप थोड़ी सी देख लीजिए और इन्जॉय भी कीजिए। और मेरी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप देख सकती हो गाइस, ये न्यू डीगा की सी बीच है और अभी वाटर बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी 10:30 हो रहे हैं। अगर आपको नहाना है तो आपको करीब दिन के 2 से 3 बजे आना पड़ेगा, उस वक्त बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हम जा रहे ओल्ड डीगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो थोड़ी सी हम छोले खा लेंगे, छोले और पूरी। और ये हम आ चुके हैं ओल्ड डीगा और थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद और भी ज़्यादा अच्छे से हम दिखाएँगे
क्योंकि हम अभी जाने वाले थे अपने होटल पे, अपने रूम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बिल्कुल ही सी बीच के सामने ये होटल आपको नज़र आएगी। और इसकी प्राइस करीब 2000 के लगभग होगी। डबल बेड आप देख सकती हो, काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल ही सी बीच के सामने बहुत ही अच्छी अच्छी आपको होटल नज़र आ जाएगी। और हम लोगों को भूख लगी थी तो हम लोगों ने सोचा हम छोले और पूड़ी खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यही सब नाश्ता वगैरह आपको मिलता है और 25-30 रुपीज़ में एक बंदी का अच्छे से आप खा सकती हो आराम से, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी खा लिया था क्योंकि बहुत भूख लगी थी। और हम अपने रूम पे आ चुके हैं और हमारी मैं अपनी रूम की पूरी टूर देने वाली हूँ, होटल की टूर देने वाली हूँ प्राइस वगैरह के साथ। और हम जल्दी से अब जा रहे हैं बीच की तरफ क्योंकि हम लोगों को नहाना है, इंजॉय करना है। चलिए बीच के पास जाके हम आपसे मिलते हैं। आ चुके हैं सी बीच पे और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अभी आप देख लीजिएगा कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है, अगर आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हैं, उसके भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूँगी। और आप देख लीजिए, ओ वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। हम लोग जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हम लोग दीघा तो ज़रूर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप मेरी वॉइस से समझ सकती हो कि मुझे अभी देखकर इतनी खुशी हो रही है और मैं चाह रही हूँ कि हम फिर से जाएं, और हम जाने भी वाले हैं तो फिर से मैं व्लॉग बनाऊंगी और भी अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी। पर इस वीडियो को पूरी इंजॉय कीजिए और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आने वाली हैं जो आप लोगों को देख कर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर पहली बार जा रही हो तो आप बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करें। ये आप देख सकते हो, ये मैं हूँ और ये हमारे पीछे बीच है और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और ये अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे ना, बहुत 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 मज़ा आने वाला है। और ये मैं जा रही हूँ और मज़ा कर रही हूँ। तो आप देख सकती हैं हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया है, तो आप भी थोड़ा इंजॉय कर लीजिए वीडियो देखते देखते और लाइक भी कर दीजिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और ये ही मैं, और मैं थोड़ी देर पहले आपने जो देखा मैं थोड़ा सा रह जा रही थी क्योंकि ना वो क्रैप तो छोटी छोटी ना क्रैप रहती है ना, तो वो मुझे डर लग रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना वैसे वैसे जा रही थी। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। अब मैं आपसे शाम में मिलती हूँ और प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम आ चुके हैं बीच पे, जी हाँ सी बीच पे फिर से, क्योंकि ये दिन के वक्त ना बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तो देख लिया, और शाम के वक्त यहाँ मार्केट लगती है, कई सारी चीज़ें होती है जो आप देख सकते हो, कितनी सारी चीज़ें होती है कि चिकन वगैरह और फिश भी मिलती है, क्रैब वगैरह भी मिलते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो रात के वक्त डिनर भी करके जाते हैं। हमें भी भूख लगी थी, देख देख कर भी भूख लग रही है, तो हमें भी भूख लगी थी। थोड़ी देर के बाद हम भी खा लेंगे, डिनर वगैरह कर लेंगे और काफ़ी इंजॉय होता है गाइस। और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे रात के वक्त भी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ आपको यहाँ के नज़ारे नज़र आएंगे। तो अगर आप नहीं आए एक बार भी, आप आकर ज़रूर देखिएगा, और सच में आप अपनी फैमिली के साथ आना बहुत इंजॉय करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकती हो, काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग की भी होती है। और हम जल्दी से डिनर करेंगे इसके बाद, और उसके बाद मॉर्निंग में जल्दी उठना है क्योंकि हम जाएंगे उदयपुर बीच और फिर आपको हम वहाँ की भी व्लॉग शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरी वीडियो को ऑल बेल पे क्लिक नहीं किया तो जल्दी से ऑल बेल पे क्लिक कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और उदयपुर की आप ज़रूर देखिएगा व्लॉग क्योंकि वहाँ भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।